हेलो फ्रेंड्स, आई बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें यूनिट प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कि स्पेंसर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग इज द नीड फॉर प्लानिंग। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड वे में उस चीज़ को करते हैं जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज अ फ्रेमवर्क फॉर रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन। सो इस तरीके से प्लानिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग के जनरली थ्री लेवल्स होते हैं। एनुअल प्लानिंग, जिसमें हम यूनिट्स प्लान करते हैं। फिर आती है मंथली प्लानिंग, जिसमें हम सब यूनिट्स प्लान करते हैं। फिर आती है वीकली प्लानिंग, जिसमें सब यूनिट टॉपिक्स आते हैं। एंड देन डेली लेसन प्लानिंग। और आज हम बात करेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में। सो यूनिट प्लानिंग स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द सेशन बाय डिवाइडिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इनटू सम वेल डिफाइंड एंड मीनिंगफुल यूनिट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनुअल प्लानिंग क्या है, कि जब जो भी हमारा कंटेंट है उस सब्जेक्ट का, उसको हम क्या करेंगे, यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और बच्चे और टीचर्स दोनों के लिए इजी हो कि किस हिसाब से उन्हें कितने टाइम में कितना काम करना है या करवाना है। अब बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। तो H.C. मॉरिसन कहते हैं, अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ रिलेटेड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज सो डेवलप्ड एज टू अचीव प्यूपिल पर्पजेज, प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर चेंजेस। यानी कि यूनिट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है मीनिंगफुल एक्टिविटीज की जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ताकि जो हमारा एजुकेशन का पर्पस है उस तक हम पहुंच पाए, बच्चों को अच्छे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस दे पाए, ताकि जो बिहेवियर चेंजेस हम उनमें चाहते हैं वो आ सके। कोई भी काम हम करवाते हैं बच्चों से या कोई भी चीज़ उन्हें सिखाते हैं, तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है कि उनमें बिहेवियर चेंजेस आए, जो चीज़ हमने उन्हें सिखाई है वो सीखें उस चीज़ को, उसे अपनाएं और उसके बेसिस पर फर्दर लॉजिक लगा पाएं। सैमफोर्ड कहते हैं, यूनिट इज एन आउटलाइन ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ बीन आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू पीपल्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। यानी कि बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से जो हमारे पास कंटेंट मैटर है उसे हम क्या कर देते हैं, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ध्यान रखते हैं कि जिन्हें हमने यूनिट्स में डाला है, जैसे एक यूनिट में हमने कोई 4-5 चैप्टर्स लिए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए उनका एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट प्रेस्टन क्या कहते हैं, इट इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स एज कैन ओवरव्यूड बाय द लर्नर। यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर के क्या है, लार्ज ब्लॉक्स हैं जो कि लर्नर ओवरव्यू कर सकते हैं। जैसे हम सिलेबस देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ ये यूनिट्स हैं तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे सिलेबस का विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। सो इन्हीं सारी डेफिनेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं, यूनिट प्लानिंग मे बी डिफाइंड एज अ स्कीम और प्लान चॉक्ड आउट फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट। कि यूनिट प्लानिंग क्या है, कि जब हम पूरा प्लान बनाते हैं, चॉक आउट करते हैं पूरा प्लान कि किस तरीके से हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, क्या उनमें सब डिविजन्स होंगी, क्या हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को पूरे सेशन के दौरान प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे, क्या वेज होंगे, क्या मीन्स होंगे, ताकि जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम हासिल कर सकें। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनिट, कि यूनिट बनाई कैसे जाती है। अब यूनिट के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्ट वेरियस टॉपिक्स एज मेंशन इन द प्रिस्क्राइब सिलेबस एज डिफरेंट यूनिट फॉर टास्क ऑफ यूनिट प्लानिंग। कि जैसे सिलेबस में दिया गया है उसी तरीके से उन्हें क्या करो, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसको यूनिट्स का नाम दे दो। या फिर क्या कर सकते हैं, कंबाइन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस इन कंसिडरेशन विद द बिलोंगिंगनेस विद वन और अदर ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट। या फिर क्या करो कि डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन कर दो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स दोनों में आता है, तो टीचर्स क्या करते हैं कि अगर एक टीचर ने उसे फर्स्ट यूनिट में रखा है
तो फिजिक्स वाले टीचर भी उसे फर्स्ट यूनिट में रख देते हैं, क्योंकि बच्चों ने वो उसी वक्त दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा होता है तो वो इजीली समझ सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करके भी यूनिट बनाई जा सकती है, या फिर अगर टीचर को ही लगता है कि ये जो फर्स्ट यूनिट हमने बनाई है, थर्ड यूनिट में कोई ऐसा टॉपिक है जो उसके साथ लिंक है, तो वो उसे भी वहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि अलग टॉपिक्स कंबाइन करके यूनिट बनाना। अब जो कंटेंट है हमारे पास सिलेबस का, उससे अलग अलग यूनिट्स बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहली बात यह कि टोटल डेज एंड वर्किंग आवर्स, कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप फिजिकल साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, या किसी भी और सब्जेक्ट को या क्लास को पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक्स को करवाने के लिए कितने दिन आपको मिल रहे हैं, कितने वर्किंग आवर्स हैं, क्या आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द कंप्लीटनेस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द यूनिट्स फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड, कि जो टॉपिक्स हमने उस पर्टिकुलर यूनिट में रखे हैं वो कितने मीनिंगफुल हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टीचिंग लर्निंग कंडीशंस अवेलेबल फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ द यूनिट्स, जो हमने यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं, जो हमने उनमें लर्निंग एक्सपीरियंस सोचा है कि हम देंगे, क्या उनके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूनिट्स में डाल दिया कि हम बच्चों को क्या करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, लेकिन अब बाद में पता चल रहा है कि केमिस्ट्री लैब में तो वो केमिकल्स ही नहीं है, या फिर फिजिकल लैब में वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, या फिर मैथ्स की लैब में वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, या मैथ्स की लैब ही नहीं है स्कूल में। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का पहले ही ध्यान रखा जाता है। यूनिट जो प्लान की जाती है, इन सारी चीज़ों को पहले ही देख के उसी के हिसाब से प्लान की जाती है। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, यानी कि जब भी यूनिट प्लान की जाए, लर्नर सेंटर्ड हो, वो लर्नर को ध्यान में रखते, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उसकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए प्लान की जाए। नेक्स्ट इज द प्रॉपर कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग द डिफरेंट यूनिट्स फॉर्मुलेटेड आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर द नीडेड कंटिन्यूटी एंड कन्वीनियंस, जो हमने यूनिट्स में कंटेंट रखा है वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के यूनिट बना दे रहे हो, तो वो बच्चों के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, डिफिकल्ट लगेगी बल्कि उन्हें वो चीज़। तो इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए कि कंटिन्यूटी हो एक, और बच्चों के लिए इजी भी हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो अलग अलग यूनिट्स जो हमने ली हैं उनमें। अब जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर था उसको हमने सब डिविजन्स कर दिए, यानी कि उसके यूनिट्स बना दिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो यूनिट हमने बनाई है उसको फर्दर सब यूनिट्स में या फिर पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे उस यूनिट्स को लेके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं प्लानिंग करते वक्त, कि अगर हम ये एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चों को क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या उद्देश्य हैं हमारे उस चीज़ को करवाने के, क्या बिहेवियर चेंजेस हम चाहते हैं कि वो यूनिट जब ख़त्म होती है तो बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज हो, क्या बिहेवियर चेंजेस उनमें आए। प्रॉपर डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स लगाएंगे, कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे, क्या TLM यूज़ करेंगे यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्या ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, क्या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हम उन टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं उन तक पहुंच सके, किस तरीके का इंट्रैक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स में, इसके बारे में बात होगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के बेसिस पर ही इंट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि टीचर बच्चों से, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से उनके विचार पूछे कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और वहीं अगर टीचर कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैसे कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, तो वहाँ पे बच्चों का उतना इंट्रैक्शन का कोई स्कोप बनता नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा सकता है कि टीचर जो है वो सारी चीज़ समझाएंगे और उसके बाद बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका नॉलेज लेवल चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ उन्हें कितनी समझ में आई। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पे किस तरीके की इंट्रैक्शन होनी चाहिए, ये बात भी पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। प्रॉपर डिसीजन शुड बी टेकन फॉर इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ द यूनिट कवर्ड, जो यूनिट करवाई गई है उसे किस तरीके से इवेल्युएट किया जाए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम चेक करते हैं कि उन्हें वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। वो किस तरीके से चेक करेंगे,
ये भी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, पहले ही प्लान कर लिया जाता है यूनिट प्लानिंग के वक्त कि कुछ ओरल टेस्ट लेंगे या कुछ रिटन टेस्ट होगा या क्लास टेस्ट होगा या किस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड फिजिकल साइंस के बारे में। इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। इस एक और एग्जाम्पल मैंने इसमें रखा है, वो मैथमेटिक्स का है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको लिखना है। तो सबसे पहले बात आएगी सब्जेक्ट की, कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकल साइंस की, तो वो चीज़ आ जाएगी। देन सिलेबस, किस क्लास के लिए है ये सिलेबस, क्लास फिफ्थ के लिए। नेम ऑफ द यूनिट, क्या यूनिट है हमारी, वाटर। फिर नेम ऑफ द सब यूनिट्स, क्योंकि जो यूनिट है उसको हम सब यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, कि टॉपिक वाटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, जैसे कि सोर्सेज फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे, वाटर पोल्यूशन, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यूटिलिटी ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, और भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। जो हमने यूनिट करवाई है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने यूनिट वाटर पढ़ाई उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि बच्चों में क्या बिहेवियरल चेंजेस आए, कि बच्चों में एबिलिटी हो कि वो बता सकें डिफरेंट सोर्सेज के नेम जहाँ से वाटर मिलता है, किन्हीं फोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में बता पाएं, ये बता पाएं दैट वाटर कैन बी डिकम्पोज इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की यूजेस के बारे में बता पाए कि हमारी लाइफ में वाटर का क्या यूजेस है, वाटर कितने फॉर्म्स में मिलता है हमें, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में बता पाएं, वाटर साइकिल के बारे में बता पाएं, वाटर पोल्यूशन के बारे में बता पाएं, डिस्टिंग्विश कर पाएं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में बता पाएं, यानी कि जो जो चीज़ें हमने सब यूनिट्स में लिखी थी उन्हीं को हम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे, कि बच्चे इस चीज़ की नॉलेज बच्चों को हो, उसके बारे में अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछें तो वो चीज़ वो बता पाएं। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी, जहाँ पे चेंज आएगा वो सिर्फ नेम ऑफ द सब यूनिट्स, नेम ऑफ द यूनिट और टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स, सिलेबस किस क्लास का है, फिफ्थ, नेम ऑफ द यूनिट क्या है, टाइप्स ऑफ मेजर्स, कि हम चाहते हैं कि बच्चों को टाइप्स ऑफ मेजर्स के बारे में बताएं हम, और उसमें सब यूनिट्स क्या होंगी, किस किस मेजर्स के बारे में, लेंथ के बारे में हो सकता है, लेंथ और उसकी मेजरमेंट के बारे में, अब उन्हें क्या और क्या चीज़ें हम कराएंगे, कि म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट और उसकी मेजरमेंट, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ वेट, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, टाइम एंड इट्स मेजरमेंट, म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स और उनको कन्वर्ट करना बिगर और स्मॉलर यूनिट्स में, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसी के बेसिस पर क्या होंगे हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे यूनिट के, कि क्या हम बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि किस चीज़ की नॉलेज उन्हें हो, जब ये यूनिट ख़त्म हो जाती है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब इतना सारा कुछ मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया है, तो क्या होना चाहिए कि बच्चों को नॉलेज हो मेजरमेंट्स रिलेटेड टू लेंथ, वेट, टेम्परेचर एंड टाइम के बारे में, इन मेजरमेंट की वो यूटिलिटी बता सकें, डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रही है ये बता सकें, जैसे कि अगर हमने इन सारी मेजरमेंट्स के बारे में बच्चों को बताया, तो अगर हम उन्हें पूछें कि किसी बॉटल में पानी जो है वो केजी में है या लीटर में, तो वो बता पाएं कि लिक्विड्स को हम क्या लीटर में नापते हैं, या फिर वो बता पाएं कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में नापते हैं, मतलब ये सारी चीज़ों की उन्हें नॉलेज हो जो हमने चीज़ें सिखाई हैं उन्हें। और नेक्स्ट चीज़ उन्हें क्या आना चाहिए, क्योंकि हम कन्वर्जन्स की बात भी कर रहे थे, तो उन्हें बिगर एंड स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे कि अगर आप उन्हें कोई क्वेश्चन देते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। नेक्स्ट इज, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों के लिए सेम रहेंगे, आप टॉपिक के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस इनमें ला सकते हैं। डिसीजन अबाउट मेथड्स एंड एड मटेरियल, कि क्या लर्निंग मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे, किस क्या स्ट्रैटेजीज होगी, क्या एड्स हम यूज़ करेंगे, क्या TLMs हम यूज़ करेंगे। तो लर्निंग मटेरियल में क्या होगा, जितने भी सब यूनिट्स के कॉन्सेप्ट हैं उनकी नॉलेज हो, स्किल्स रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल वर्क, जैसे हमने यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करी थी, तो वो सारी चीज़ें हम उन्हें सिखाएं,
क्या स्ट्रैटेजीज एंड एड यूज होंगी? अब डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे, क्या चार्ट्स हम यूज करेंगे, क्या स्लाइड्स हम यूज करेंगे, कुछ लेबोरेटरी वर्क इसमें करवाना है या नहीं करवाना है, कुछ फील्ड एक्सपीरियंस बच्चों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारी की क्या स्ट्रैटेजीज हम अपनाएंगे ताकि जो हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम और बेहतर तरीके से हासिल कर सकें, उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरीके का मेथड लगाना है, प्रोजेक्ट मेथड लगाना है, लेक्चर मेथड लगाना है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लगाना है या कोई और मेथड लगाना है ताकि जो टीचिंग लर्निंग है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। देन लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इवेल्युएशन वर्क। अब जितनी भी चीज़ें पढ़ाई, इतनी मेहनत की, अब उस मेहनत का कुछ रिजल्ट मिला है या नहीं वो कैसे चेक कर पाएंगे? इवेल्युएशन से जो बच्चों को चेक करेंगे कि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, एक रिटन यूनिट टेस्ट हो सकता है या फिर जो भी टॉपिक हमने बच्चों को करवाया उन्हें कह सकते हैं कि इसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। जो उस पर्टिकुलर यूनिट से बच्चों को एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनके बेसिस पर ओरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके उनकी स्किल्स को चेक किया जाता है कि कितनी नॉलेज उन्हें मिली है उस टॉपिक की। जो टॉपिक उन्हें पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है उसके बेसिस पर उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, जैसे कि अब वाटर के टॉपिक में क्या है, प्रोजेक्ट दिया जा सकता है कि एग्जाम क्या है इसका, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द स्कूल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन स्कूल कैंपस, इसका प्रोजेक्ट दे दिया जाए। मैथ्स की बात करते हैं कि अलग अलग प्लेसेस के टेम्परेचर्स के बारे में पता करो और उन टेम्परेचर्स को फिर फारेनहाइट में चेंज करो या डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, इस तरीके का कुछ भी प्रोजेक्ट दिया जा सकता है उन्हें टू चेक वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट और नॉट। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग के बारे में कि क्यों ज़रूरी है यूनिट प्लान करना। सो फर्स्ट इज इट हेल्प टीचर्स टू हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग विच मे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल एट हिज और हर डिस्पोजल, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है होलिस्टिक व्यू मिलता है कि पूरा पता चलता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को करवाने वाले हैं, किस तरीके से टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पर हम कैसे एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। एक सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल वे में चीज़ें चलती हैं जिससे क्या है टीचर को हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि क्या बेस्ट टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो करवा सकते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हम पहले से डिसाइड करके करते हैं, कोई भी काम है अगर पहले से डिसाइड किया होगा तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा हमें सोचने के लिए। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन गिविंग अ बैलेंस्ड एम्फेसिस टू वेरियस आस्पेक्ट ऑफ कोर्स कंटेंट और कंपिटेंसी अंडर रेफरेंस। बिकॉज अगर पहले से डिसाइड किया होगा तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि टाइम भी सेट किया होता है कि किसी भी यूनिट के लिए कितने टाइम लगेगा, कि दो लेक्चर्स लेने हैं या तीन लेक्चर्स लेने हैं, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चले तो लास्ट के टॉपिक्स जो है वो फटाफट करवाने पड़े। जब पहले से सारी चीज़ प्लानिंग है तो एक बैलेंस सा बन जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है कोरिलेट करने की टेक्सचुअल कंटेंट को कंपिटेंसी से कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हम बच्चों को क्लास में करवाएंगे कि जिससे जो हम कंटेंट उन्हें सिखाना चाहते हैं वो उन्हें और बेहतर तरीके से आ जाए, क्या एबिलिटीज़ बच्चों में डेवलप हों। नेक्स्ट इज इट मे हेल्प इन थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव अप्रोचेज टू टीचिंग लर्निंग एंड अडेप्ट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब कोई भी चीज़ पहले से प्लान कर रहे हैं तो क्या है कि हम अल्टरनेटिव अप्रोच लगा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स भी लगा सकते हैं वहाँ पे, यानी कि हम जो अपनी प्लानिंग करेंगे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसके लिए भी जो हमारी क्लास हो वो हेल्पफुल हो, वो यूज़फुल हो, और जो बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है उसके लिए भी इक्वली यूज़फुल हो वो क्लास। तो वो चीज़ कब होगी, जब हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाने वाले हैं। नेक्स्ट इज इट मे हेल्प यूनिट वाइज इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इन ऑर्गेनाइजिंग रेमेडियल टीचिंग एंड अंडरटेकिंग एनरिचमेंट मेजर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब जो हमारा लास्ट स्टेप था इवेल्युएशन वर्क का, तो उससे हमें क्या है यूनिट वाइज पता चल जाता है कि बच्चों को किस टॉपिक में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कोई यूनिट टेस्ट अगर टीचर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे, जैसे मान लीजिए मैथ्स की ही अगर हम बात करें, तो वो क्या है कि टेम्परेचर वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, डायग्नोज कर लिया टीचर ने कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बेसिस पर क्या है कि रेमेडियल टीचिंग हो सकती है कि टीचर क्या है एक एक्स्ट्रा क्लास ले ले जहाँ पे वो अलग से टेम्परेचर के क्वेश्चंस फिर से करवाए। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचर्स क्या है एक अलग से क्लास ले लेंगे जिससे वो जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी।
अब जब पहले से डिसाइड है तो वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज हम इकट्ठे कर सकते हैं कि क्या लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होंगे, चार्ट्स, फिल्म्स, रेफरेंस मटेरियल, ताकि हम एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकें बच्चों को। और एक क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट्स हो जाता है, बिकॉज जो टीचर है वो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की मदद से ही यूनिट प्लान करते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि हाँ अगर इस तरीके से करेंगे तो बेटर होगा, तो मतलब थोड़ी बहुत उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक तरीके से कोलैबोरेटिवली भी वर्क करते हैं टीचर और स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ यूनिट प्लानिंग के बारे में, क्या लिमिटेशंस है इसकी, क्या कमियां हैं थोड़ी सी। ओवरबर्निंग टास्क फॉर टीचर्स, अब टीचर्स को पहले तो सिलेबस से रिलेटेड उन्हें चूज करना है कि क्या क्या कंटेंट हमने पढ़ाना है, तो ऊपर से फिर अगर वो यूनिट प्लानिंग भी उन्हें करनी पड़े तो थोड़ा सा ओवरबर्निंग हो जाएगी। हालांकि यूजफुल होती है ये चीज़, लेकिन अगर हम लिमिटेशंस लिख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोई भी काम करेंगे तो उसमें टाइम तो कंज्यूम होगा ही, और ये तो और ज़्यादा है क्योंकि पूरे सिलेबस को पहले थॉरली चेक करना है, फिर रिफाइन करना है कि किस चीज़ को, कौन सी चीज़ किसके साथ इंटरलिंक्ड है, किसे यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, क्या सब यूनिट्स हो सकती हैं, तो एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ टीचर्स, अब कुछ टीचर क्या करते हैं कि कोई चैप्टर कहीं से पढ़ा दिया, कोई चैप्टर कहीं से पढ़ा दिया, तो अगर यूनिट प्लानिंग होगी तो ऐसा नहीं हो सकता, जो सीक्वेंस होगा हमें उसे सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो टीचर्स की वो फ्रीडम होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है यूनिट प्लानिंग। नेक्स्ट इज लैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रेशनेस एंड मेक्स प्रोसेस मैकेनिकल, एक फ्रेशनेस का कॉम्पोनेंट नहीं रहता है क्योंकि मैकेनिकल बन जाती है प्रोसेस, पहले से डिसाइड है सारा कुछ ही कि हाँ इस तरीके से चलेंगे तो वो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर इन केस टीचर का ट्रांसफर हो जाता है या कोई दूसरा टीचर उनकी जगह आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो जो पहले वाले टीचर होंगे उन्होंने अपने हिसाब से यूनिट प्लानिंग की होगी, जो टॉपिक्स उन्हें लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से लिंक होते हैं, और जो नए टीचर होंगे वो अपने हिसाब से करना चाहेंगे, तो इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब यूनिट प्लानिंग करते वक्त टीचर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए क्योंकि उन्हें ही डिसाइड करना है कि क्या टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, तो वहाँ पे जो लेस एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जिन्हें उतना अनुभव नहीं होता है उन्हें प्रॉब्लम आती है प्लान करने में कि किस तरीके से यूनिट्स रखी जाएँ, क्या सब यूनिट्स उनमें हों, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये था हमारा यूनिट प्लानिंग का टॉपिक, इसमें हमने सबसे पहले बात करी कि प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग यानी कि लेवल्स ऑफ प्लानिंग क्या है, फिर उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करी, फिर किस तरीके से यूनिट बनाई जाती है उसके बारे में बात करी, फिर उस यूनिट में कंटेंट किस तरीके से रखा जाता है, कैसे कंटेंट को यूनिट्स में बनाया जाता है उसके बारे में बात करी, फिर कैसे सब यूनिट्स बनाई जाती है, क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को लेके, इंट्रैक्शंस को लेके, इवेल्यूशन प्रोसेस को लेके, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद हमने यूनिट प्लानिंग का एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स की, एक फिजिकल साइंस का और एक मैथमेटिक्स का, जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सिलेबस, फिर नेम ऑफ द यूनिट, नेम ऑफ द सब यूनिट, फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट, फिर डिसीजन अबाउट मेथड्स एंड एड मटेरियल की क्या एड मटेरियल होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या टेक्निक होगी, फिर किस तरीके से उस चीज़ को इवेल्युएट किया जाए, और फिर हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग की क्यों ज़रूरी है यूनिट प्लानिंग, और लास्ट में हमने बात करी लिमिटेशंस ऑफ यूनिट प्लानिंग की क्या कमियां हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।